नेट 415 पर आप देख रहे हैं सफ़र जायके का। आज दिन में हमने एक लेविश भोपाली नॉन वेजिटेरियन लंच किया जमजम रेस्टोरेंट में, और इस वक्त शाम का वक्त है और हम आए हुए हैं जमजम फास्ट फूड में। हम देखेंगे जमजम फास्ट फूड के कौन से ऐसे जायके हैं जो यहाँ से हम आप तक पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ हसान है, हसान हमें बताएंगे जमजम फास्ट फूड के खास जायकों के बारे में। हसन मुझे बताइए कि ये जो आपका आउटलेट है, ये पहला आउटलेट है जमजम फूड का, और यहाँ पर बेसिकली आपका फास्ट फूड ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको फास्ट फूड में बिरयानी मिलेगा, बिरयानी बेस्ट से बेस्ट है यहाँ पे, आप टिक्का ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टिक्का एक बहुत अच्छा है अपना हेल्थ के हिसाब से। दूसरा आपको यहाँ पे बर्गर ट्विस्टर मिल जाएगा। अच्छा, ट्विस्टर इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और आपके पास ऊपर जगह भी है बैठ के खाने के लिए भी है, कुछ लोग यहीं से फूड पैक करवा के भी लेके जाते हैं। तो ये एक ऐसा आउटलेट है आपका जो बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर है, उसकी वजह क्या है? पीपल लाइक करते हैं हमको, पहले देखे तो हैरान होते हैं, वाह ऐसा क्या है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ लगी है। हाँ, तो अल्लाह पाक सही जानते हैं वो क्या है। आप कभी भी आए तो हर कोई आता है, आके बिरयानी ट्राई करता है, बर्गर टोस्टर ट्राई करता है, चिकन टिक्का ट्राई करता है, मलाई टिक्का ट्राई करता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कबाब्स हैं आपके वो बहुत फेमस हैं, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का। आपका जो ये ग्रिल चिकन है, मुझे भोपाल में नहीं मिला अभी तक ग्रिल चिकन। अच्छा। हमने दिल्ली में एक ग्रिल चिकन टेस्ट किया था, अरेबियन डिलाइट्स का। अच्छा। बहुत उम्दा जायका था उसका, लेबनीज ग्रिल चिकन था वो। अच्छा। यहाँ भोपाल में ग्रिल चिकन मैंने पहली बार देखा आपके पास। अच्छा। कुछ आपका फास्ट फूड ट्राई करते हैं। अच्छा। और देखते हैं उसका जायका कैसा है। अच्छा मनीषा, सबसे पहले तो मुझे बताइए जमजम में हमने क्या ऑर्डर किया था अभी? चिकन टिक्का, मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट है? हाँ, मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, मैं अच्छा, यही खाती हूं। तो ये जो आउटलेट है जमजम फास्ट फूड किस चीज़ के लिए फेमस है? ऐसे आइटम्स हमें बताइए जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इनके। सबसे पहले मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, शामी कबाब, अब यहाँ की बिरयानी ले लो, बहुत अच्छी मिलती है। वैसे तो चिकन में तो सभी अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट ये है। इस वक्त मेरी टेबल पर जमजम का ग्रिल चिकन है। हमने इससे पहले दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से अरेबियन डिलाइट्स के ग्रिल चिकन का जायका आप तक पहुंचाया था। हम देखेंगे जमजम का ये ग्रिल चिकन, इसका कैसा फ्लेवर है। साथ में ये दो तरह की चटनी है इसमें, थोड़ा सा सैलड है, प्याज है थोड़ी सी, और एक कटा हुआ नींबू है। ग्रिल चिकन के साथ दो तरह की चटनी है, एक थोड़ी खट्टी चटनी है, एक मीठी चटनी है। यूजुअली हम देखते हैं जो नॉन वेज तंदूरी फूड होता है उसके साथ मिंट सॉस सर्व किया जाता है। यहाँ भोपाल में मैंने देखा है ख़ास तौर से बिरयानी के साथ, जिसे बिरयान कहते हैं, और उसके अलावा तंदूरी फूड के साथ अलग अलग तरह की चटनियाँ सर्व की जाती हैं। ये दोनों जो चटनी है, खट्टी चटनी और मीठी चटनी, बहुत ज़बरदस्त जायका है इनका। और ख़ास बात यह है कि इस ग्रिल चिकन के साथ ये चटनी का जायका बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, बहुत उम्दा है। चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट किया गया है। इस ग्रिल चिकन की खासियत यह है कि इसके अंदर जो चिकन उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको विद स्किन ग्रिल किया है, हल्का सा स्पाइसी है। ज़्यादातर हमने देखा है भारत के मुख्तलिफ शहरों में जो स्ट्रीट फूड होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है, क्योंकि लोग स्ट्रीट फूड ज़्यादातर स्पाइसी पसंद करते हैं। इस वक्त मेरी टेबल पर फ्राइड फिश है और उसके साथ जमजम के मशहूर कबाब हैं, मटन सीख कबाब हैं, और साथ में चिकन शामी कबाब हैं। प्रेजेंटेशन बहुत उम्दा है, दोनों ही आइटम्स को बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है। ऊपर से इन्होंने हरी मिर्च और हरे धनिया की गार्निशिंग की है, कुछ टमाटर के पीसेस भी हैं और कुछ
कटा हुआ नींबू है। मटन सीख कबाब को इन्होंने सिगड़ी के ऊपर सेका हुआ है, चिकन साते या मटन साते जिस तरह का होता है, इंडोनेशियन साते तकरीबन उसी तरह का प्रेजेंटेशन है इसका। जायके की अगर मैं बात करूँ, बहुत माइल्ड स्पाइसेस हैं, बिल्कुल फ्रेश मटन का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। खासियत इस जगह की है कि इस कबाब के साथ जो इनकी चटनी है, चटनी का जायका बहुत ज़बरदस्त है। ये सारा जो फास्ट फूड है ये चटनी के इन दो जायकों के बगैर अधूरा है। इन दो चटनी के जायकों से इस फास्ट फूड का जायका बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, बहुत उमदा हो जाता है। इस पूरे फूड के जायके को एनहेंस करने के लिए ये दो तरह की जो इनकी चटनी है इसका बहुत कमाल है। साथ में आप सलाद का भी लुत्फ उठा सकते हैं। काफ़ी सारा हरा धनिया, हरी मिर्च और चॉप्ड टोमेटोज हैं इसके अंदर। हमने देखा है भोपाल की जो लोकल फिश होती है वो बहुत टेस्टी होती है, फिश फ्राई बहुत उम्दा है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चिकन मलाई टंगड़ी है। हमने मुख्तलिफ शहरों से चिकन टिक्का और मलाई टिक्का का जायका आप तक पहुँचाया। हम देखते हैं भोपाल में जमजम की ये चिकन मलाई टंगड़ी इसका कैसा टेस्ट है। मलाई टंगड़ी के साथ ये मीठी चटनी इन्होंने सर्व की है। जमजम फास्ट फूड के ये सारे ही जायके बहुत उम्दा हैं। दिन में हमने जो लंच किया था, लंच के जो जायके थे बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव थे, बहुत ज़्यादा उम्दा थे। और उसमें से ख़ासतौर से जो इनका मुर्ग मुसल्लम है, मुर्ग मुसल्लम इनका बहुत एक्सक्लूसिव था। भोपाल में मुझे ऐसा जायका कहीं नहीं मिला जैसा इनका मुर्ग मुसल्लम का जायका था। हमने देखा यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, शाम के वक्त ख़ासतौर से यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को बड़ी मुश्किल होती है अपना ऑर्डर बुक करने में, ऑर्डर लेने में। अगर आप भोपाल में रहते हैं आपने जमजम का नाम ज़रूर सुना होगा। कभी भी आप हमीदिया रोड की तरफ आएँ और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन हैं जमजम का फास्ट फूड आप ज़रूर टेस्ट करें, इनकी बिरयानी आप ज़रूर टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप किसी और शहर में रहते हैं, कभी आपका भोपाल आना होता है और आप भोपाल का नॉन वेज फास्ट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब हमीदिया रोड पर जमजम फास्ट फूड आके इनके कबाब्स और ग्रिल चिकन ये ज़रूर टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगा। भोपाल फूड ड्राइव का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ज़रूर शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जायके के सफर के जो भी नए एपिसोड्स आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेटवर्क 15 पर आप देख रहे थे सफर जायके का भोपाल फूड ड्राइव।